बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम जिस कंपनी की बात करेंगे उसका नाम है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों ये बहुत ही शानदार कंपनी है और क्या कहते हैं सरकार की बहुत ही मिनी रत्न कंपनीज में आती है। और दोस्तों इसने इसका जब IPO आया था 300 रुपये के आसपास का IPO आया था, तो उसके बाद दोस्तों ये 300 के आसपास का जब IPO आया था तो उसके 6,000 तक भागी थी। और 6,000 के बाद दोस्तों 1:5 का इसमें स्प्लिट रेशियो देखने को मिला था, जिसके बाद ये कंपनी निरंतर गिर रही है। अभी दोस्तों ये 52 वीक लो के आसपास ही समझो इसको, और इसमें एक्यूमुलेशन करने का बहुत ही अच्छा मौका है, तो ताकि आने वाले टाइम में आपकी वेल्थ क्रिएट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस कंपनी से गेन मिल सकते। तो दोस्तों सबसे पहले जो काम करती है कंपनी, क्या काम करती है, जो दोस्तों जितने भी आपको ऑनलाइन टिकटिंग होती है दोस्तों, इसका जो रेवेन्यू, जो मेन जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका दोस्तों ऑनलाइन, जो ऑनलाइन टिकटिंग होती है दोस्तों वहाँ से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके बाद दोस्तों जो आप, अगर आपने कभी भी कहीं भी अगर आपने ट्रेन से ट्रैवल किया होगा तो आपको एक ड्रिंकिंग वाटर मिलता है नीर के नाम से, ठीक है, रेल नीर के नाम से आता है दोस्तों, वहाँ से इसकी अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट होती है। बहुत पानी बिकता है वो दोस्तों IRCTC का ही है। और उसके बाद दोस्तों ये कैटरिंग से बहुत अच्छा बिजनेस, इनका कैटरिंग का बहुत अच्छा बिजनेस जाता है। जब भी हम ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पे खाने के ऑप्शंस आते हैं, वेज नॉन वेज और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पे जाके जो बुक करते हैं दोस्तों उसका जो सारा पैसा आता है कैटरिंग का वो भी IRCTC को ही जाता है, ठीक है। और रेलवे जो और जो और दोस्तों ये रेलवे की जितनी भी टिकटें हैं, अगर आप चाहे कहीं से भी इसकी टिकट बुक करेंगे, आप चाहे फ़ोनपे से करें, चाहे गूगल पे से करें, चाहे आप और किसी भी प्लेटफॉर्म से करें, तो ये सीधे आपको IRCTC की साइट पे ले जाती है। इसलिए दोस्तों ये एक मोनोपोली कंपनी है, ठीक है। मोनोपोली कंपनी वो होती है जिनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है मार्केट में, या जिस जो कोई भी कंपनी 60-80% मार्केट शेयर लेके बैठी होती है। तो दोस्तों IRCTC एक बेहतरीन और शानदार कंपनी है, मोनोपोली कंपनी है और बैक्ड बाय गवर्नमेंट है, क्योंकि दोस्तों जो मैक्सिमम जो शेयर्स हैं उसके गवर्नमेंट के पास है, तो कोई घबराने की बात नहीं है दोस्तों। और इस कंपनी में निरंतर अभी 52 वीक लो के आसपास बना है, क्योंकि 6,000 से स्प्लिट होकर 3,000 आया था दोस्तों, तो उसके बाद जब ये 6,000 पे स्प्लिट हुआ तो दोस्तों सबको 1:5 के रेशियो, जिसके पास एक शेयर थे, जिसके पास एक शेयर थे उसको 5 शेयर हो गए होंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस कंपनी में आप बने रह सकते हैं और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों बुलेट ट्रेन्स आनी है, इंटर स्टेट मेट्रो कनेक्ट होनी है, वंदे ट्रेनें अभी धीरे धीरे बननी शुरू हो चुकी हैं, तो आने वाले टाइम में बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है। जब ये सारी चीज़ें बन के तैयार हो जाएगी उसके बाद IRCTC में जो रेवेन्यू जनरेट होगा टिकट के माध्यम से, कैटरिंग के माध्यम से और भी बहुत सारी इनकी, अब तो दोस्तों ये टूरिज्म के, ये क्या कहते हैं, टूरिज्म पे भी ध्यान देते, होटल्स वगैरह भी प्रोवाइड करता है, तो वहाँ से भी इनका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इस कंपनी में दोस्तों देखिए आप शॉर्ट टर्म में भी काम कर सकते हैं और चाहे तो इसमें लॉन्ग टर्म में काम करें, लॉन्ग टर्म में आपका इसमें पैसा डेफिनेटली बनेगा अगर आप देखेंगे तो। दोस्तों अगर देखिए 1 ईयर की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छे ज़्यादा फ्लैक्चुएशंस होते हैं, ये फ्लैक्चुएशन होती है कभी दोस्तों, ये देखिए ऐसे ऐसे करके ऊपर को जाता है, एंड ऑफ द डे इस स्टॉक ने आगे को भागना है, जैसे जैसे ट्रेन पटरी पर उतरनी शुरू हो जाएंगी तो इनके रेवेन्यू जनरेट्स होने शुरू हो जाएंगे। कोरोना के टाइम पर थोड़ा सा गिरा था, फिर उसके बाद दोस्तों अब सब चीज़ नॉर्मलाइज हो चुकी है और यहाँ से अच्छे खासे पैसे रिटर्न जनरेट हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। याद रखिए कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, शॉर्ट टर्म में आप यहाँ से थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं और वहाँ से भी आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है, इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 6-6.7 के आसपास चल रहा है, तो अच्छा खासा वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो दोस्तों अगर हम दोस्तों अगर इसके इसके हम बात करेंगे तो दोस्तों 328% के ऑल टाइम हाई दिखा रहा है, क्योंकि स्प्लिट होकर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो इसका काम बहुत बेहतर है, शानदार काम है, इस कंपनी में आप बने रह सकते हैं और यहाँ से अच्छे खासा मोटा आप पैसा बना सकते हैं लॉन्ग टर्म में। दोस्तों अगर इसके फंडामेंटल्स की हम बात करेंगे तो इसके फंडामेंटल्स भी बहुत बेहतरीन फंडामेंटल्स है, धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी काम कर रही है तो इसके फंडामेंटल्स भी धीरे धीरे आगे को अच्छे खासे बन रहे हैं।
तो दोस्तों जो ये कंपनी है, ये IRCTC एक मिनी रत्न कंपनी है जिसमें जिसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है। तो मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो दोस्तों ये लार्ज कैप कंपनी है, 53,436 करोड़ की इसकी मार्केट कैप निकल कर आती है। करंट प्राइस 6688 चल रहा है और जो इसने दोस्तों अपना हाई बनाया था तो 775 के आसपास इसने हाई बनाया था और 557 के आसपास लो बनाया, तो अभी भी आपको अच्छे खासे वैल्यूएशंस में मिल रही है। ROC की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बहुत बेहतरीन है, शानदार है, 59.0% के आसपास है और ROE भी बहुत शानदार है, रिटर्न ऑन इक्विटी 45.2%। तो जो भी ये पैसा आ रहा है उसको अच्छे खासे यूटिलाइज़ कर रही है आगे अपने बिजनेस को ग्रो करने में। फेस वैल्यू इसकी 2 के आसपास आ चुकी है, तो दोस्तों अच्छी खासी कंपनी है। अगर दोस्तों हम इसके कुछ इसके एडवांटेज देखें तो दोस्तों अगर इसको देखें तो आपको डेब्ट फ्री कंपनी है। दोस्तों कोई भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होती है और उसके बाद कोई कर्जा नहीं होता तो उसका बहुत बेहतरीन प्रॉफिट बनता है और वो अपने निवेशकों को ट्रांसफ़र होता है। तो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है, अच्छे खासे क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखा रही है और अगर इसका 3 साल का दोस्तों अगर हम ये क्या है अच्छी कहते हैं ग्रोथ प्रॉफिट दिखा रही है, 34.9% CAGR का लास्ट 5 साल का इसका CAGR है जो एनुअल कंपाउंडेड ग्रोथ रेट है, तो अच्छी खासी और डिविडेंड भी आपको बहुत बेहतरीन प्रोवाइड करती है दोस्तों, ठीक है। तो इस कंपनी में आप बने रह सकते हैं। अगर अगर दोस्तों इसके थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो जो इसके दोस्तों आप जो इसकी सेल्स निकल के आ रही, देखिए 2015 में इसकी 1000 के आसपास सेल थी, धीरे धीरे देखिए इसकी सेल्स निरंतर बढ़ती जा रही है। हाँ यहाँ पे देखो 2020 और 21 के यहाँ पे कोरोना का टाइम था तो सारी स्टेशन सारी ट्रेन वगैरह रद्द हो गई थी और लॉकडाउन लग चुका था, उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बहुत नीचे गिरने को दिखे थे। उसके बाद धीरे धीरे रिकवर किया, अब देखिए दोस्तों इसका जो सीधे जो सेल्स निकल कर आ रही है 3000 से भी ऊपर पहुँच चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए दोस्तों, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट धीरे धीरे निरंतर बढ़ता जा रहा है, 188 है और अब ये 1000 से ऊपर चले गई है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं, थोड़ा सा पिछले साल से कम हुए हैं बट ये थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, पर कंपनी बहुत बेहतरीन शानदार है, इसमें काम कर सकते हैं। शुद्ध मुनाफे की बात करेंगे तो दोस्तों देखिए 15 में कितने 131 करोड़ के आसपास थी, फिर 189 करोड़, फिर 200 करोड़ में आगे देखो 300 करोड़ में, 500 करोड़ में, सिर्फ आप देखिए सीधे सीधे 6 से 1000 करोड़ में पहुंच चुकी है। तो दोस्तों ऐसी कंपनी को आपको जब भी नीचे गिरावट होती है तो ग्रैब करने की ज़रूरत है और यहाँ से बहुत अच्छा खासा आपका पैसा बनेगा, ठीक है। CAGR देखिए 3 साल का 33% के आसपास दिखा रहा है और 1 साल का 12% के आसपास दिखा रहा है, तो कंपनी बहुत बेहतरीन है, शानदार कंपनी है, डेब्ट फ्री कंपनी है। देखो रिजर्व्स की बात करेंगे दोस्तों 2000 के आसपास इनके रिजर्व्स हैं और 84 करोड़ के बोरोइंग्स हैं, तो बोरोइंग्स ना के बराबर है, इसको एक हिसाब से आप ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी कह सकते हैं, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है। अगर आप दोस्तों अगर इनके प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करेंगे तो इसकी प्रमोटर होल्डिंग्स है दोस्तों, देखिए पहले 87 के आसपास थी क्योंकि सेबी के रूल के हिसाब से 75% से नीचे प्रमोटर्स की होल्डिंग होनी चाहिए, तो इन्होंने अपने प्रमोटर की होल्डिंग नीचे करी है और उसके बाद धीरे धीरे कुछ प्रॉफिट भी बुक किया। उसके बाद अभी जो इसकी करंट जो प्रमोटर होल्डिंग निकल के आ रही 62 के आसपास है, तो अच्छी खासी गवर्नमेंट की इसमें होल्डिंग है। FIs देखिए 6.53 के आसपास है FIs और DIs दो DIs ने बहुत तगड़ा माल उठा रखा है, 10.06% के आसपास जो DIs डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, LIC और भी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े बड़े AMCs हैं, बैंक के AMCs हैं, उनके पास इनका ज़बरदस्त पैसा है। पब्लिक हमारे और आप जैसी इसमें 21% के आसपास लगे, तो कंपनी बहुत बेहतरीन है, शानदार है दोस्तों। ये कंपनी ऐसे 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 करके ऊपर चलेगी, आपको डिप में अपने स्टॉक को एक्यूबलेट करना है और लॉन्ग टाइम के लिए इसे होल्ड करना है दोस्तों। आने वाले टाइम में आपको इसमें बेहतरीन डिविडेंड देखने को मिलेगा, ठीक है, स्प्लिट बोनस आपको सारी चीज़ें इस कंपनी में मिलेंगी क्योंकि कंपनी बहुत बेहतरीन है, मोनोपोली कंपनी, इस कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और बिजनेस ऐसा है कि दोस्तों आगे को बढ़ना है बिजनेस में कोई कमी नहीं है। तो ऐसे बिजनेस में हम जब भी हमें किसी भी स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना है तो दोस्तों सबसे पहले फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होनी चाहिए दोस्तों। पहला क्राइटेरिया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसका बिजनेस लॉन्ग रन में आने वाले 10-20 साल में चलेगा, जिसे हमें पता होना चाहिए और बीच बीच में फंडामेंटल्स चेक करते रहने चाहिए। तो दोस्तों अभी फिलहाल तो मोनोपोली कंपनी है, बाद में हो सके तो कोई कॉम्पिटिटर आ जाए अगर गवर्नमेंट चाहे तो, बट अभी फिलहाल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। इस कंपनी में आप SIP के थ्रू, जैसे आप म्यूचुअल फंड में SIP डालते हैं
वैसे यहाँ पे आप मंथली SIP या ईयरली SIP और या फिर क्वार्टरली जब भी डिप मिलता है यहाँ पे पैसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करें तो आपका बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न्स बनेंगे। अभी 52 वीक हाई है तो लो है, तो दोस्तों यहाँ पे से आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ऊपर को जाने की ज़्यादा है और नीचे को आने की कम है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए अगर दोस्तों आप इस स्टॉक पे नज़र बना के रखेंगे यहाँ से अच्छा खासा आपका पैसा बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।